स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। आज तो सबका ध्यान मुझ पर ही होगा। मैम को वहां से कैसे निकालूं? आरती, अन्या, हमारे पास है। देख, मेरा चंद्र है ना, वो बहुत भाग्य वाला है जो तेरे जैसी अच्छी लड़की मिल रही है उसे। हाँ, तो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, आरती, शादी का जोड़ा तैयार है। तुम चलो मेरे साथ और एक बार देख लो। हाँ, शादी का मैं यहीं तैयार हो जाऊं? अरे आरती, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगी। काकी, आप आराम कीजिए, आरती को मैं तैयार कर दूंगी। ठीक है, चलो आरती। हाँ हाँ हाँ, जा लेके जा, सुंदर सुंदर बनाना है इसको। हाँ, बैठो। वो काका ने कहा है कि अगर शादी में कोई कमी रह गई तो सरस्वती काकी को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए सब तैयारियों में लग गए। और कुमुद जी, वो तो बहुत दुखी है बेचारी। माँ की जिद के आगे हार ही गई वो। और सरस भी तो माँ को ही चुनते ना। अच्छा हुआ कि कुमुद दीदी खुद ही पीछे हट गई। तुम ये सब छोड़ो, ये गहने देखो कैसे, देखो। अरे इसे यहाँ रख दो। अच्छा है ना, पसंद आया तुम्हें? तुम गहने देखो, मैं अभी आई। ये लोग तो दिल के बड़े ही कच्चे निकले, थोड़ा सा तमाशा देख के सब पिघल गए। आरती, ये देखो तुम्हारी शादी का जोड़ा, देखो। हाँ, देख, प्यारा है ना। अच्छा है, पसंद आया तुम्हें? हाँ। आधे घंटे में असाइलम के पीछे वाले दरवाजे पर तैयार रहो। मैं 2 लड़कों को भेज रही हूँ, वो आपको वहाँ से ले जाएंगे। संभाल के। हाँ 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 हाँ, रहने दे। अच्छा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, सच्ची में आज मेरे चंद्र की शादी है। हाँ, अच्छा। पता नहीं और कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी हमें। जब भी लगता है कि सब ठीक हो रहा है तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। हम दोनों ने बहुत कुछ सहा है कुमार, और कितनी भी मुश्किलें और दिक्कतें आए हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ा। आज फिर उसी कगार पे खड़े हो गए हम आके। जिंदगी फिर हमारा इम्तिहान ले रही है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। सरस माँ हमसे अलग नहीं है, माँ हमारे साथ है। हमारे और उनके बीच सिर्फ उनका वहम है। सरस, उनकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है। तक मैं तुम्हें हौसला देता था और आज तुम मुझे हिम्मत दे रही हो। इसीलिए सब कहते हैं कि सरस और कुमुद एक दूसरे के लिए बने हैं। नीचे जाओ सरस, मैं इंतजार कर रही होंगी और वही करना जो माँ चाहती है। देखो सरस, मैंने तुम पर भरोसा किया है ना, अब तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना होगा। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कान्हा जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, पर मैं इतना जरूर जानता हूं तुम्हारा प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा। मैम जल्दी चलिए। मैम वो खड़ी है, आप जल्दी जाइए इससे पहले कोई हमें देख ले। जल्दी चलो। यार तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? वो गॉड, ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? मैडम વ્યસ્ત છે, ફ્રી થઈને તમને ફોન કરશે। अब सरस और कुमुद को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब बस उनका खेल खत्म समझो। ऐसी मौत मारूंगी उन दोनों को कि कोई उनकी जैसी जिंदगी जीने से पहले 100 बार सोचेगा। चलो, मूव। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्यों है? शायद बच्चे कोई कार्यक्रम करेंगे। हाँ हाँ सच्ची, हाँ सगाई में तो होना ही चाहिए ना गीत संगीत। हाँ ये मेरी आरती और चंद्र कहाँ है? आरती आरती, सारू लगे छे। दिखा दिखा चूड़ी, नजर नहीं लगेगी किसी के। हाँ जी तेरे दिख रही चंद्र को ना खुश रखना। हाँ चंद्र का है? हाँ। चंद्र दिख रहा, चंद्र हमारा दिख रहा। अच्छा लग रहा है। ये सब तो ऐसा कर रहे हैं जैसे बड़े खुश हों इस शादी से। कल तक तो ये लोग सब शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे, और आज कुछ तो गड़बड़ है। मैम को मैसेज करती हूँ। सारा लग रहा है नया कपड़ा है सरस्वती। हाँ अच्छा बैठ जा, शादी है ना। हाँ हाँ मेरा फोन कहाँ है? मंडप वहाँ पे। हाँ अच्छा खुश हूँ, बैठ वहाँ पे। अच्छा उधर। हाँ अच्छा बैठ, संभाल के बैठ जा बैठ जा। ये लाइट कैसे चली गई भाई? कुछ ही देर में मुहूर्त का समय हो जाएगा, तब तक हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में खुशियां भी हैं और गम भी, प्यार भी है, नफरत भी, धोखा, जिंदगी और मौत भी। ये कहानी है लक्ष्मी नंदन और सरस्वती की। तो ये तैयारियां शादी के लिए नहीं, इस तमाशे के लिए चल रही थी। कहीं ये सब देख के काकी को सब याद ना आ जाए। हे भगवान क्या करूं? मेरा फोन भी पता नहीं कहाँ रह गया। कहाँ जा रही हूं मैं? वो चल बैठ। सरस्वती थी एक मीठे स्वभाव की गुणी लड़की और लक्ष्मीनंदन एक होनहार नौजवान। जब दोनों ने मिलकर घर बसाया तो उसमें कोई कमी कैसे हो सकती थी। प्यार एक दूसरे के लिए सम्मान, एक दूसरे को जैसे खुशियां देने की दौड़ लगी उन दोनों के बीच। इन दोनों का प्यार देख भगवान इनसे इतना खुश हुआ कि बहुत जल्द एक तोहफा दे दिया भगवान जी ने इन्हें। सरस्वती ने लक्ष्मीनंदन से कहा कि कोई आ रहा है जो इनके परिवार को पूरा कर देगा, इनके प्यार की निशानी। और फिर जन्म लिया चंद्र ने। जैसे जैसे चंद्र बड़ा होता गया अपनी मां के लिए सब कुछ बन गया वो। ये बच्चा सरस्वती की जिंदगी था। ये मुस्कुराता तो वो हंसती, ये रोता तो उसकी आंखें भी भर आती। इसीलिए उसका नाम रखा गया सरस्वती चंद्र। भगवान से भी ज्यादा अपनी माँ को पूछता वो। सुबह उठता तो सबसे पहले अपनी माँ को देखता, सोता तो सिर्फ अपनी माँ की लोरी सुन के। दिकरो मारो लाडकवायो दीवना दीधेल छे वायरा चरा धीरे पाछो हमरा पोढेल छे हमरा पोढेल छे। दिकरो मारो लाडकवायो देवना दीधेल छे वायरा जरा धीरे बाजो हमरा पोढेल छे हमरा पोढेल छे। दिकरो मारो लाडकवायो देवनादी धीर से वाय राजरा धीरे बाजू हमरा पुढेल छे हमरा पुढेल छे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।